हेलो हेलो 2023 कब आया कब निकल गया पता ही नहीं चला। खैर इस साल हमने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन देखे, जहाँ पे भाई हमने सलमान खान की दो मूवीज़ देखी एंड दोनों ही पिटने वाली थी लगभग, वो तो भाई जान के स्टारडम ने बचा लिया। एंड एक तो भाई फ्री के भाव जा रही थी एक गंदे कैमियो के चलते, उससे मुझे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी लेकिन मूवी उतना ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाई। इसी के साथ साथ हमने 600 करोड़ की लंका लगते हुए देखा, फर्स्ट इंडियन डिस्टोपियन टट्टी देखी जिसके एडिटर को भाई मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। उसी के साथ साथ भाई 5 साल बाद अपन ने शाहरुख खान का कमबैक देखा, जहाँ पे भाई उन्होंने आते ही बता दिया कि इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। बैक टू बैक दो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी, तीसरी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है एंड भाई जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है मेरे को लग रहा है डेफिनेटली वो भी ब्लॉकबस्टर रहेगी। तो अनऑफिशियली तो हम ऐसा कह ही सकते हैं कि भाई शाहरुख खान ने इस साल 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं, जो कि किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो सकती है, लेकिन शायद शाहरुख खान के लिए नहीं। #KingKhanForARereason। और इसी के साथ साथ हमने अपने चैनल पे लगभग 10-12 कॉपीराइट क्लेम्स देखे, जो कि भाई स्ट्राइक्स नहीं थी लेकिन हाँ कॉपीराइट तो कॉपीराइट होता है। चैनल थोड़ा सा डाउन हो गया, वीडियोज इतनी ज़्यादा चली नहीं, लेकिन इन सबके बाद भी हम लोग एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं, जहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी मूवीज़ की जो कि हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड हम तुम्हें रिकमेंड करना चाहते हैं। अब चाहे तुम इसको प्यार से एक्सेप्ट करो या ज़बरदस्ती, देखना चाहो तो देखो, मर्जी तुम्हारी। खैर लिस्ट को अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले मूवी आ जाती है शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक पूरे दिन के ऊपर, जहाँ पे भाई दिन में ड्रग्स की चोरी हो जाती है एंड रात में ड्रग डीलर ड्रग्स वापस मांगता है, जहाँ पे स्टेक्स पे है शाहिद कपूर का बेटा। अब देखने वाली सीन ये हो जाता है कि शाहिद कपूर अपने लालच को कैरी करते हुए अपने बेटे को कैसे बचाते हैं। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि एक हॉलीवुड मूवी का रीमेक है लेकिन एक रीमेक होते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो भाई इसका वॉयलेंस बहुत ज़्यादा रॉ है, वो भाई टाइल सर पे फोड़ देना, किचन वाला फाइट सीक्वेंस तुम डेफिनेटली मिस मत करना, वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसी के साथ साथ शाहिद कपूर की एक्टिंग बहुत ज़्यादा कमाल की है, तुम्हें वो कबीर सिंह वाली वाइब आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ तुम डेफिनेटली इस मूवी को पसंद करोगे अगर तुम्हें ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो। लिस्ट में आगे बढ़े तो भाई दूसरी मूवी आ जाती है ओ माय गॉड 2, जो कि भाई डेफिनेटली एक मस्ट वॉच मूवी हो जाती है। अगर तुम्हें सोशल इश्यूज पे मूवी देखना पसंद है तो तुम डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हो। या भाई मूवी में अक्षय कुमार है, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम है और एक दो आजू बाजू के एक्टर्स हैं, लेकिन भाई ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मूवी की राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मूवी का जो कोर्ट रूम ड्रामा है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा है। पार्ट 1 से रिजेंबल तो ज़रूर करता है, वो टेक्स्ट बुक वाली नॉलेज और वो स्क्रिप्चर्स वाली नॉलेज को बताना एंड वो चीज़ें एक्सप्लेन करना पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो कि चैनल पे अवेलेबल है, अगर तुम लोग देखना चाहो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। बाकी ओवरऑल मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अगर तुम लोग देखना चाहो तो देख सकते हो सब्सक्रिप्शन लेकर, नहीं तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं। खैर लिस्ट की लास्ट मूवी जो कि शायद तुम लोग इससे एग्री ना करो, लेकिन मैंने कहा ना अगर तुम्हें ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसमें वॉयलेंस बहुत ज़्यादा हो, जिसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो, ड्रामा बहुत ज़्यादा हो, तो तुम्हें डेफिनेटली मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। लिस्ट की आखिरी मूवी है एनिमल, जो कि 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। मूवी डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने इससे पहले 2 ही मूवीज़ डायरेक्ट की है, अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह। अर्जुन रेड्डी एक ओरिजिनल मूवी थी, कबीर सिंह उसकी रीमेक थी, लेकिन भाई दोनों ही मूवी कमाल के हैं, दोनों ही मूवी के मेन लीड के एक्टर्स भाई कमाल की एक्टिंग करते हैं। यहाँ पे भाई अगर एनिमल की बात करूँ तो एनिमल मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पे इसका मेन सेलिंग पॉइंट मेरे हिसाब से वो वॉयलेंस या फिर वो मार काट वो सब नहीं था, मूवी का मेन सेलिंग पॉइंट था 2 कैरेक्टर्स के बीच की कन्वर्सेशन, जहाँ पे वो एक क्लोज रूम में या फिर ओपन रूम में जब 2 कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जो अग्रेशन, जो इंटेंसिटी, जो एक्टिंग का लेवल रहता भाई वो कमाल का था। मैं तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, अगर तुम राठी जी के फैन नहीं हो या फिर तुम राठी जी को फॉलो नहीं करते हो तो तुम डेफिनेटली इस मूवी को देखना एंड तुम इसको एडमायर ज़रूर करोगे। खैर ये थी मेरी top 3 बॉलीवुड मूवीज़ जो कि मैंने इस साल देखी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी तुम लोग अपनी लिस्ट कमेंट में शेयर करना मत भूलना, बताओ तुम्हें इस साल की सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगी। और हाँ भाई, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय श्री राम।